नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के दामों में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बाजार बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें भिंड जिले से अलग अलग तहसील में बाजार बंद का असर भी दिखाई दिया। गोहद, महगांव, गौरमी, अटेर, लहार में भिंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री राकेश सिंह ने साइकिल चलाकर बाजार से निकलते हुए रैली में उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर आम जनमानस की कमर तोड़ दी, जिससे गरीब परिवार अब अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बेहद परिश्रम करने के बावजूद भी उनका पेट नहीं भर पाएगा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बड़े दामों को कम कर आम जन की परेशानी पर अंकुश लगा सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें आपके माध्यम से साइकिल से लोगों तक क्या विशेष उद्देश्य पहुंचाया गया है, क्या विशेष प्रेरणा दी गई? देखिए, 20 फरवरी को मध्य प्रदेश 2 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लिया था, जिसमें हम सभी कांग्रेस के लोगों ने आज भिंड शहर में बंद कराया। और बंद क्या कराया, जनता से हाथ जोड़ के निवेदन किया और उन्होंने स्वतः बंद किया हुआ था। ये बे इंतहासा जो मूल्य वृद्धि हुई है पेट्रोल की, डीजल की, रसोई गैस की, इससे कांग्रेस ने जनता के लिए संघर्ष करने का निर्णय किया है। आज हम लोगों ने भी ये तय किया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि हम लोग पेट्रोल के विरोध में इतना महंगा हो गया है तो बजाय मोटरसाइकिल के चलने के हम लोग साइकिल से चल के अपने प्रदर्शन को शहर में करेंगे और लोगों को इस बात के लिए आकर्षित करेंगे कि आज पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हम नौजवानों को, बच्चों को, सबको जो है साइकिल लेके आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये इस बात का द्योतक है कि बढ़ी हुई कीमतें अफोर्डेबल नहीं है, जनता के बस में नहीं है कि 100 रुपये का पेट्रोल डलाए। दूसरी तरफ सरकारें ये विचार नहीं कर रही हैं कि 32-33 रुपये तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार की जेब में जाता है टैक्स में, वैट में, और 32 रुपये ही 100 रुपये में से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जेब में जाता है। और ये जो पेट्रोल है ये मात्र 29 रुपये 53 पैसे में मिलता है, जिस पर टैक्स लगा लगा के इन लोगों ने 100 रुपये कर दिया है, जो बहुत ही मतलब नाजायज है। और नाजायज के साथ साथ जनता इतनी, ये भारतवर्ष कोई संघर्षरत देश है, ये कोई सुखद देश नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग बहुत संपन्नता में जी रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का प्रहार करना तो कांग्रेस का निर्णय था, हम लोगों ने आज शहर में किया। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं और शहर के सभी व्यापारी वर्ग को, सभी लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शहर इस बंद को सफल बनाया। चौधरी साहब, मानते हैं कि अभी फसल खेतों में खड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में किसान को आवश्यकता डीजल की भी पड़ेगी। जब वो अपनी फसलों को काटेगा, मंडियां तक लेकर आएगा, अपने खलिहानों से सफाई कर अपने घर तक फसल लेकर आएगा, तो ऐसे में मानते हैं कि यहाँ प्रहार कुछ किसानों पे हुआ है महंगाई? ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बहुत ही वाजू प्रश्न है और मौजूदा स्थिति में ये और सारगर्भित होता है कि इतने डीजल के भाव जहाँ 88-89 रुपये लीटर मिल रहा है जी। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि 1 लीटर डीजल पर सरकार जो किसान से 1 लीटर डीजल लेता है उससे 30 रुपये टैक्स के रूप में लेती है राज्य सरकार जी। तो अगर सरकार किसानों के हितैषी हो तो कम से कम उस डीजल पर टैक्स ना ले जो किसान अपने खेती के उपयोग में कर रहे हैं। इसलिए बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पूरा प्रहार किसानों के ऊपर है, उनकी फसल के ऊपर है, उनकी खेती के उपकरणों के ऊपर है कि उनको महंगे होंगे। इसलिए ये जो बेहनता वृद्धि है इसको कम किया जाए, सरकार को ये सोचना चाहिए। अन्य कोई टैक्सेस लगाएं, अन्य कोई तरीके ढूंढें। बड़े बड़े लोग हैं, नीरव मोदी और तमाम लोग हिंदुस्तान से पैसे लेके चले गए, आप उनको पकड़ के लाइए, उनसे वसूल करिए। और वो 15-15 लाख जो स्विस बैंक में थे वो कहाँ हैं, वो लाके बांटिए बजाय ये गरीबों को तंग करने। कांग्रेस के द्वारा आज पूरा मध्य प्रदेश में 2 बजे तक दोपहर तक बंद रखा गया है, क्या मानते हैं इसका असर सरकार तक पहुँचेगा? केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी हुई है एक महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर, उसमें कहीं अंकुश लगेगा? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक दल का अपना अपना नैतिक कर्तव्य है। कांग्रेस इस समय विपक्ष में है और विपक्ष में होने के लिए उसको, होने के साथ उसको जनता की समस्याओं को सरकार से निवेदन लिख के भी करना पड़ेगा, सड़क पर उतर के भी करना पड़ेगा। तो सड़क पर उतर कर आज कांग्रेस ने
ये प्रदर्शन किया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो इस देश में इस समय फांसीवादी लोग सत्ता में है, दक्षिणपंथी लोग सत्ता में है। जब 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं और पूरा देश कान में उंगली डाल के बैठा हुआ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल जू तक नहीं रेंग रही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम किस फांसीवादी देश में हैं, किस तानाशाह के हम संरक्षण में इस समय देश चल रहा है। तो इनके बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये बात सुनेंगे, लेकिन हमारा काम है उस बात को इंगित करना, उस बात को उजागर करना जो जनता के खिलाफ है। ऐसी कांग्रेस हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद।